अपना जोन है ना भाई साहब, थोड़ा वो रोमांटिक वाला नहीं है, ठीक है। अपना जोन थोड़ा अलग है। अपन जिंदगी के सताए हुए हैं तो ज़्यादातर जिंदगी पे लिखते हैं, ठीक है। जिंदगी है मोटिवेशनल। तो एक शेर लिखा था मैंने कि असफलता के बाद जो समाज से नहीं मिलता उसे सम्मान बोलते हैं, कि असफलता के बाद जो सम्मान से समाज से नहीं मिलता उसे सम्मान बोलते हैं। सांसों की तरह ऊपर नीचे होती परिस्थितियों को जो झेल जाए उसको जान बोलते हैं, कि असफलता के बाद जो समाज से नहीं मिलता उसे सम्मान बोलते हैं। सांसों की तरह ऊपर नीचे होती परिस्थितियों को झेल जाए उसे जान बोलते हैं। नकारा, हरामखोर, असफल, क्या क्या नहीं बोला लोगों ने मुझे, कि नकारा, हरामखोर, असफल, क्या क्या नहीं बोला लोगों ने मुझे। आज वही शख्स वो अपने बच्चों से मेरे बारे में जिक्र करते हैं, बोलते हैं ऐसा बनो, इसको पहचान बोलते हैं। और कभी जो मुझे देखकर मुंह फेर लिया करते थे, कि कभी जो मुझे देखकर मुंह फेर लिया करते थे आज वो सामने से आके मुझे राम राम बोलते हैं, ठीक है। और अब मुद्दा लाया हूँ मैं, यहाँ पे मैरिड कौन कौन है और बाकी सब फंसने हैं, तो कुछ फंसना सबको है एक दिन, नहीं जो हो चुके हैं और बहुत को होना भी है। तो एक टाइम आएगा कि लड़का जो होता है ना वो पति पत्नी और माँ के बीच में फंस जाता है। वो मुद्दा एक इतना क्रिटिकल मुद्दा होता है कि वो लस में मैंने खाली लड़के के जज्बात लिखने की कोशिश करी है कि लड़का क्या कहना चाह रहा है, कि एक मिनट कुसुम, हाँ ठीक है राम। अब इसमें सीन क्या है कि मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जिनकी हो गई है वो समझ लें, और जिनकी होने वाली है लड़का और लड़की वो अभी से तैयार हो जाएं। तो अब इसमें लड़के का दर्द लिखा है मैंने। तो लड़का कहता है कि एक कसम खाई थी तेरी, एक कसम माँ की खा बैठे। बोलता है पंगा होता है ना, तो बहू के पास जाता है, बोलता है चुप हो जा माँ को मैं समझा लूँगा, माँ के पास जाएगा मैं बहू को समझा लूँगा। तो कहता है कि एक कसम खाई थी तेरी, एक कसम माँ की खा बैठे, रिश्ते निभाने के चक्कर में हम खुद को गवा बैठे। कि तेरी सुनूं तो माँ का बुरा, और माँ की सुनूं तो तेरा बुरा। कि तेरी सुनूं तो माँ का बुरा, माँ की सुनूं तो तेरा बुरा, ऐ बैगरस जिंदगी खुद को धोबी का कुत्ता बना बैठे, रिश्ते निभाने के चक्कर में हम खुद को गवा बैठे। कि दोनों में से कोई नहीं चाहता है अपना अहंकार छोड़ना, एक मुद्दा ऐसा आ जाता है कि दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता, कि दोनों में से कोई नहीं चाहता है अपना अहंकार छोड़ना, क्या हो तब हम अहंकार में आके अपना गला दबा बैठे, रिश्ते निभाने के चक्कर में हम खुद को गवा बैठे। कि आज लड़ते हो मुझसे कल मेरी मैयत पे रोओगे, कि आज लड़ते हो मुझसे कल मेरी मैयत पे रोओगे, पीटोगे माथा और मन ही मन सोचोगे ये कैसा माहौल बना बैठे, रिश्ते निभाने के चक्कर में हम खुद को गवा बैठे। कि लड़ते रहते हो दिन भर कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करी, कि लड़ते रहते हो दिन भर कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करी, एक अच्छे खासे घर को शमशान बना बैठे, रिश्ते निभाने के चक्कर में हम खुद को गवा बैठे। अब लड़का अपने जज्बात रख रहा है कि दोनों मेरे लिए कितने ज़रूरी हो। तो वो कहता है कि माँ को भूल जाऊँ ये मुमकिन नहीं, कि माँ को भूल जाऊँ ये मुमकिन नहीं, और तेरे बिन मैं मुकम्मल नहीं, कि माँ को भूल जाऊँ ये मुमकिन नहीं, तेरे बिन मैं मुकम्मल नहीं, दोनों के बिना अधूरा हूँ ये बात साफ साफ बता बैठे, रिश्ते निभाने के चक्कर में हम खुद को गवा बैठे। कि हाँ मैं माँ से शुरू हूँ, कि हाँ मैं माँ से शुरू हूँ तुझ पे ख़त्म हूँ, कि हाँ मैं माँ से शुरू हूँ तुझ पे ही ख़त्म हूँ, एक को सांसें और दूसरे को धड़कन बना बैठे, रिश्ते निभाने के चक्कर में हम खुद को गवा बैठे। अब थोड़ा हरियाणवी देते हैं, बहुत दिन हो गए हरियाणवी बोला नहीं, लिखा मैंने बहुत साल पहले था, तो मैंने ऐसा इमेजिन करके लिखा था कि शादी होती है तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, और ज़्यादातर देखना ऐसे कंडीशन में लड़की की तरफ से लड़कियाँ ही होंगी और लड़के की तरफ से लड़के होंगे, लड़कियाँ इनके पास भी हैं पर वो सामने नहीं आएंगी, लड़के इनके पास भी वो भी सामने नहीं आएंगे, लड़की पक्ष से हमेशा लड़की रहेंगी। तो लड़कियाँ क्या होती हैं, ज़्यादातर क्या होती है, एक फैशनेबल रहना पसंद करती हैं, और लड़के देसी हैं, उनका क्या होता है मालूम है, जैसे कि एक वो कहते हैं ना कि लड़की फ़ोन करेगी किसी लड़की को, यार उसकी शादी है चलना है, तो वो उनके आइटम होते हैं ना पेडीक्योर टेडीक्योर ये वो, और ये रह गया लस्कारा वस्कारा, अभी कुछ कमी रह गई है। और लड़का तो उसको फ़ोन करेगा तो बोलते हैं फलाने की शादी चलना है क्या, वो चल पड़ेंगे, वो तो ना के आएगा आज, तो लड़कों का ऐसा होता है। तो कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी, तो लड़कियों का एक डायलॉग होता है कि तुम्हारी वाट लग गई,
तो वाट लगने का मतलब होता है कि तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई। तो लड़की ने बोला कि वाट लगी, तो लड़का उसको जवाब दे रहा है हरियाणवी में कि तू बात करे से वाट की और जाटा के जज बात की, मैं हिंदी पंजाबी बोलने वाला, तू मैंने अंग्रेजी में डांट की। तू बात करे से बाट की, जट्टा के जज्बात की, मैं हिंदी पंजाबी बोलन वाला, तू मने अंग्रेजी में डांट की, मारी जिंदगी हुक्के खाट की, और देख तेरी भुंडी सी शकल ने, भुंडा मतलब होता बुरा, कि देख तेरी भुंडी सी शकल ने, तेरे ते मेरे ब्याह खातिर मेरी माँ भी नाट की, मतलब माँ भी मना कर गई। ठीक है, उसके बाद था कि तू मारे लुकते मन ने जज करे, गल्ला ने तू मच करे, कि तुम्हारे लुकते मन ने जज करे, गल्ला ने तू मच करे, तुम्हारे कुर्ता पजामा ने अपनी जींस टॉप पे मैच करे, और तेरे ब्रांडेड कपड़ा की मारे कुर्ता पजामा सामी पाट की, देख तेरी बुंडी सी शकल ने, तेरे ते मेरे ब्याह खातिर मेरी माँ भी नाट की, और कि तू खाम खा का बोर करे, कि तू खाम खा का बोर करे, यो जाट तने इग्नोर करे, तू 1.5 लाख की नैनो लेके चारों तरफा शोर करे, कि तू खाम खा का बोर करे, यो जाट तने इग्नोर करे, तू 1.5 लाख की नैनो लेके चारों तरफा शोर करे, छोड़ तू नैनो कारण है, आजा तने सवारी कराऊं नीले 60 की, नीला 60 समझते हो, फार्म टैक का ट्रैक्टर आता है 60 का, ये ऐसी 5-6 नैनो आ जाएंगी उसमें। ठीक है, उसके और देख तेरी भुंडी सी शकल ने, मेरी माँ भी नाट की। अब क्या होता है कि लड़कियाँ चाहते ना आधुनिक में जीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, लड़का देसी मिल जाएगा, लड़की देसी नहीं मिलेगी आपको। तो लड़का कहता है कि तू किन बातों में आ रही है, यो मॉडर्न की बीमारी है, जो आधुनिकता है वो बीमारी है, कि तू किन बातों में आ रही है, यो मॉडर्न की बीमारी है, तू 2 दिन रह ले गामा में, तने लागे जिंदगी प्यारी है, और आजा तने सुनाऊं कहानी 16 दुनिया 8 की, देख तेरी भुंडी से शकल है ना, तेरे तेरे मेरे ब्याह खातिर मेरी माँ भी नाच गई।